ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੋ ਬਸ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਜੈਸੇ ਜੋ ਘਰ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬਾਹਰ मैं दो मूवीज कर रही हूँ, एक यार कमीने और दूसरी यार अनमोले पार्ट टू, जो पहले भी सुपर डुपर हिट रह चुकी है उसका ही पार्ट टू आ रहा है। उसमें मैं मेल लीड कर रही हूँ एंड भज्जी जी उसमें एज ए करेक्टर आ रहे हैं साथ में। इसके अलावा जो यार कमीने है वो मैं इंद्रजीत निकू के ऑपोजिट उनकी गर्लफ्रेंड का करेक्टर कर रही हूँ। तो इसके अलावा मेरा सीरियल चल रहा है DD1 का, हम तुमको ना भूल पाएंगे, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसमें मेरा तुलसी का करेक्टर है। इसके अलावा मैंने काफ़ी पंजाबी एल्बम्स किए हुए हैं, प्रिंट ऐड कर रही हूँ और आज मैं इस एकेडमी में आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हैबोवाल इन्हीं का नहीं मेरा भी एक बर्थ प्लेस है। मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और हमारे हैबोवाल में एक अच्छी एकेडमी खुल रही है और हम इनको सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से। और हो सकता है यहाँ से बच्चे भी जो कि हमारी पिक्चर में काम करें या हमारी प्रिंट एड में काम करें, यहाँ से बच्चे काफ़ी जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये नहीं है कि काम करना और काम करवाना, क्योंकि जो डायरेक्टर जैसे हमें काम करवाते हैं एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं वहाँ पे। और निकू के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो मुझे अच्छी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं कि अगर हमें ना भी पता चले तो ये होता है कि हंसी मजाक में कैसे शूट हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जी एक्चुअली उनके सामने जाके तो मुझे पहले दिन जब मैंने उनके साथ शूट किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि मैं उनके सामने इतना कैसे कर पाऊंगी। पर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि हम भी कभी सीख के नहीं आए थे कि सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको जब भी आगे आना है आपको कुछ सीखना है तो ये नहीं है कि आपके सीनियर आपको सिखाएंगे नहीं, अगर आप कोशिश करोगे तो हम आपको बहुत सिखाएंगे। तो मुझे उनकी जो वेल विशिंग थी मुझे अच्छी लगी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है अगर आज हम बच्चों को ऐसे सपोर्ट करेंगे तो वो काफ़ी आगे जाएंगे। एक्चुअली मैं अक्षय के साथ काम करना चाहती हूँ। मोस्टली शायद मेरा अभी उनकी 786 पिक्चर चल रही है तो शायद मुझे उसमें लिंक मिल जाए। एक्चुअली मेरा वर्क चल रहा है उनके साथ क्योंकि सिर्फ ऑडिशन देने जाना है। भेजेंगे जिससे पेरेंट्स खुश हों, उनको पता लगे हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सर स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, हैबोवाल में टैलेंट काफ़ी है, बट कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको फाइनेंशियली साथ नहीं दे सकते, बट मैं उनका पूरा साथ दूंगा जहाँ तक हुआ। सर फीस कंडीशन देख अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं भर पे कर सकते, अगर उनके बच्चे में टैलेंट है तो उनसे मैं कोई फीस नहीं लूंगा। उनको क्या करेंगे आप कहीं ना कहीं? हाँ जहाँ तक जो मेरे अरमान थे जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया मैं उन बच्चों को लेके जाऊँगा।